किसी लड़की को इतने मैसेज ना करो कि वो खुद को कतरीना और तुम्हें कमीना समझने लगे। बजारा ते इज्जत तो तहफ्फुज़ जात। शादीशुदा अफराद का ठाठे मारता हुआ समंदर अपने अपने तूफानों के हमराह मुकद्दस मकामात ससुराल पर हाजिरी लगवाने के बाद अपनी मंजिल मकसूद को रवा दवा। खुदा महफूज रखे आपको इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों से। पाकिस्तान में छोटे नाखून वाली और सफेद पांव वाली लड़कियां ऐसे नापैद हो गई जैसे दुनिया से डायनासोर। लॉकडाउन की वजह से थोड़े अरसे बाद बच्चे अपनी बायो में लिखेंगे इब्तदाई तालीम घर में हासिल की और फिर आला तालीम के लिए ऑनलाइन चले गए। मेहंदी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर लगाने पड़े। शादी का इरादा था तो चिकन का रेट बामे अरूज पर पहुंच गया। शादी की अंगड़ाई, नौजवानों की रगड़ाई, गरीब तबाह दे। शदीद सिंगल अफराद को शादी वाली आंटियों के बाद मोबाइल फोन कंपनियों वाली बाजियों ने भी सोले सुनवाना शुरू कर दिए। मोजे सारे बाप की शक्ल लव मैरिज के लिए ना काफी है, बरए मेहरबानी अपनी अम्मी को रिश्ता ढूंढने दे और जगह जगह बेइज्जत ना हो। शुक्रिया। अजीब कानून है, अगर आपके घर से तेल या सोना निकल आए तो वो हुकूमत का है और अगर चर्च निकल आए तो वो आपकी। पाकिस्तान में वापदा का निजाम इतना पुराना हो चुका है कि कोई ट्रांसफार्मर के पास जाकर ऊंची आवाज में कह दे वो देखो अंधेरी आ रही है तो डर के मारे ट्रांसफार्मर उधर ही खुदकुशी कर लेता है।